बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम अलैकुम। 28 नवंबर 2020 पंजाब बार कौंसिल इलेक्शन के हवाले से एक बड़ा अहम दिन था वकला बरादरी के लिए, जिसमें उन्होंने अपने वोट का सही इस्तेमाल करते हुए अपने बेहतरीन नुमाइंदों को आगे आके खिदमत का मौका दिया। उन तमाम विनिंग कैंडिडेट्स में से आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब राना मोहम्मद अकरम खान साहब, जिन्होंने थर्ड टाइम यह इलेक्शन विन किया है। इनके साबका दवार की जो अचीवमेंट्स हैं, उन्होंने इनको इस ये इज़्ज़त बख्शी, और जो इनके नेक्स्ट मैनिफेस्टो था उसकी रोशनी में इनको ये थर्ड टाइम ये जीत नसीब हुई। आए हम सर से गुफ्तगू करते हैं। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, माशाल्लाह थर्ड टाइम यू हैव वन द कॉन्टेस्ट, सर आपके क्या जज्बात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अपने अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे ये मौका फराहम किया, और जिसने मुझे तीसरी दफ़ा जो है मैं मेंबर एज मेंबर पंजाब बार कौंसिल इलेक्ट हुआ है। अल्लाह पाक की मेहरबानियों से, अल्लाह पाक के कर्म से मैं आज मैंने हैट्रिक मुकम्मल की है। मैं तीसरी दफ़ा मेंबर इलेक्ट हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उसके बाद अपनी लॉयर्स कम्यूनिटी का, अपने मेल फीमेल लॉयर्स जो मेरे साथ शाना बशाना चले इस पूरे प्रोसेस में, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ना रात देखी, ना दिन देखा, ना दोपहर देखी, ना गर्मियाँ देखी, ना सर्दियाँ देखी, हर तरह के हालात में मेरे साथ चले। मैं उनका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ, और मैं उनको इंशाल्लाह जितना उन्होंने मुझे प्यार दिया है इसको वापस करूँगा, इंशाल्लाह डबल करके वापस करूँगा। तो अल्लाह के फजल व करम से मैं जो ज़िम्मेदारी, एक भारी ज़िम्मेदारी मेरे पे दोबारा डाली गई है, थर्ड टाइम जो है मुझे इत्माद दिया है मेरी लॉयर्स कम्युनिटी ने, मैं इसको साबित करके दिखाऊंगा कि मैं लॉयर्स के लिए, उनकी फलाह के लिए, उनकी बहबूद के लिए अच्छे मंसूबे लेके आया हूं, और उनकी फलाह के लिए अच्छे काम इंशाल्लाह पहले से बेहतर ज़्यादा जज्बे के साथ करूँगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। चलो सर, आपने एक बहुत बेहतरीन हमें एक टर्म सिखाई इलेक्शन से पहले, आई एम अ गुड रिपीटर। उसका सर हमने एक बड़ा बेहतरीन एक अमली मुजाहरा भी देख लिया। सर, जो अब आपने स्पेशली उस दिन मेडिकल के हवाले से जो आपने एक पूरी अपनी एक प्लान ऑफ एक्शन डिस्कस किया था, सर रहनुमाई फरमाएं। सर आप इधर आ जाए। सर रहनुमाई फरमाएं आया कि सर जो अब जो चेंजेस आने जा रहे हैं काउंसिल में, सर जी अब जो चेंजेस आने जा रहे हैं सर, उसके तनाजर में सर ये किस तरह से मुमकिन होगा कि आप उन मंशूर को सर पूरी तरह से उसको अमल कर सकें? जी, मैं जिस तरह से मैं जिक्र करता रहा हूँ ड्यूरिंग इलेक्शन, मैं एक बड़ा ग्रुप जो है उसको लीड कर रहा हूँ, जो कि पंजाब बार कौंसिल में प्रोफेशनल ग्रुप के नाम से है, प्रोफेशनल ग्रुप के नाम से है। तो उसका उन्होंने मुझे लीडर बनाया है, मेरे उन्होंने बिहाब पे जो है मेरी मशावरत से उन्होंने हर जगह पे हर डिवीज़न में टिकट जारी किए हैं। तो उनकी अच्छी अक्सरियत जो है वो इलेक्शन जीत के आ गई है। तो मैं अभी उनके साथ प्लान करूँगा, मुलाकात करूँगा, मुझे लाहौर बुलाया गया है क़यादत की तरफ से, तो मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ इधर, तो जैसे ही फारग होता हूँ उनके साथ प्लान करके लॉयर्स के लिए बहुत अच्छे मंसूबे बनाएंगे। अगर अल्लाह पाक हमें मौका देता है फॉर्मेशन का, मेरे ग्रुप की फॉर्मेशन बनती है, तो उसमें आपको फ़र्क वाज़े नज़र आ जाएगा कि मैं इंशाल्लाह अपने दोस्तों के साथ मिलके किस तरह से इसको प्लान करता हूँ। जिस तरह से मैंने आपको अपने लास्ट इंटरव्यू में कहा था कि लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा लॉयर्स की ज़रूरत है, जिस तरह की इंडिया में पास हुआ है, उसका मसवदा मैं दे चुका हूँ बार कौंसिल में, उस पर डिबेट भी हो चुकी है, उसमें यूनानिमस करेंगे इंशाल्लाह हम चारों सूबाई बार कौंसिलों को, आज़ाद कश्मीर बार कौंसिल को, इस्लामाबाद बार कौंसिल को, और गिलगित बल्तिस्तान बार कौंसिल को, और चारों पाकिस्तान की बार कौंसिल्स को, तो यूनानिमस करके इसको असेंबली में ले जाएंगे इंशाल्लाह, इसको आपकी ताकत से, लॉयर्स की ताकत से इसको पास कराएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो उसमें हेल्थ के मामला जो आपका दूसरा ज़िम्न था, जो दूसरा क्वेश्चन था आपका, उसमें सबसे ज़्यादा हेल्थ के मामला हैं, सबसे बढ़ के जो है लॉयर के लिए, उसकी फैमिली के लिए, उसके हेल्थ के जो है उसका बेहतरीन ट्रीटमेंट होगा हर सरकारी हॉस्पिटल में ग्रेड 18 के ऑफिसर के बराबर।
तो इंशाल्लाह हम उस पर जो है प्लान जो हमने किया हुआ है उसको आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल ठीक है सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने जनाब राना मोहम्मद अकरम खान साहब के व्यूज़ सुने, इनके ख्याल सुने, हम इनके लिए दुआगो हैं। इन्होंने जो भी हमारे साथ इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद जो अपने प्लान्स का जिक्र किया है, उम्मीद करते हैं सर हमें बिल्कुल मायूस नहीं करेंगे और हम वकला बरदरी की बेहतरी के लिए अपना बेहतरीन किरदार निभाएँगे। शुक्रिया।